नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है कोल्ड कॉफ़ी, और ये एक ऐसी कोल्ड कॉफ़ी है जो बनाना तो बहुत ही आसान है और पीने में बहुत टेस्टी है, क्योंकि इसमें एक साथ दो दो चीज़ों का मज़ा है। जिन लोगों को कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है लेकिन गर्मियों में कॉफ़ी पीना अवॉइड करते हैं, तो आप ये कॉफ़ी ज़रूर बना के पिए, क्योंकि इसमें कॉफ़ी का टेस्ट तो है ही, साथ में इसमें आइसक्रीम भी है। और आप इसमें वो आइसक्रीम डाल सकते हैं जो फ्लेवर आपको पसंद है। मैंने इसमें वनीला आइसक्रीम डाली है, जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए देखते हैं कोल्ड कॉफ़ी बनाने में लगने वाली सामग्री और बनाने की विधि। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने एक ग्लास दूध लिया हुआ, और ये ठंडा दूध है, उबला हुआ दूध है, कच्चा दूध नहीं, उबला हुआ है, जो पूरी तरह से ठंडा है, क्योंकि ठंडा दूध ही अच्छा लगेगा कोल्ड कॉफ़ी है तो। और ये मैंने आइसक्रीम ली हुई है, मैं इसमें बर्फ नहीं डाल रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए, आइसक्रीम डाल रही हूँ। ये वनीला आइसक्रीम है, जिसमें आपको कॉफ़ी का टेस्ट भी मिलेगा और आइसक्रीम का, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो चीनी मैंने ली हुई है, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि हम इसमें आइसक्रीम भी डाल रहे हैं, वो भी मीठी होती है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और एक चम्मच मैंने कॉफ़ी ली हुई है। तो शुरू करते हैं कोल्ड कॉफ़ी बनाना। तो मैं मिक्सर जार ले लिया, चाहे तो आप हैंड ब्लेंडर से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं दूध डाल दूँगी, ठंडा फ्रिज में रखा हुआ दूध भी आप ले सकते हो। और सबसे पहले इसमें मैं कॉफ़ी डाल दूँगी और चीनी डाल दूंगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दो से तीन बार अच्छे से चला लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दूध में कॉफ़ी कितने अच्छे से मिक्स हो गई, और बहुत ही अच्छा से ये झाग आ चुका है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है, स्मूथ सी बनती है ये बहुत ही। तो अब मैं इसमें आइसक्रीम डालूंगी, ये वनीला आइसक्रीम ली हुई है, तो आप अपने पसंद के अनुसार जो फ्लेवर आपको पसंद है, और कॉफ़ी के साथ में चॉकलेट आइसक्रीम ले रहे हो तो वो भी अच्छी लगेगी। तो मैं डाल देती हूँ आइसक्रीम, देखिए निकाल दिया, और बस इसे अच्छे से फेंट लेंगे, जब तक एक आप देख सकते हो कि अभी इसमें अच्छा सा झाग बनने लगा है, तो अच्छे से फेंटेंगे जब तक ऊपर एक अच्छा स्मूथ बैटर बन जाएगा हमारा ये कॉफी का, और अच्छा झाग आ जाएगा। ये देखिए कोल्ड कॉफ़ी हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो कि कितनी अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छा झाग आया हुआ है। तो अब मैं इसे सर्विंग ग्लास में निकाल लूँगी। तो मैंने ये ग्लास लिया हुआ है, तो इसको भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये मैंने चॉकलेट सिरप लिया हुआ हर्षी का, अगर आपको पसंद है तो आप इस तरह से लगा सकते हो। और अब मैं ये कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी इसमें डाल दूंगी। ये देखिए ग्लास में ये कॉफ़ी डाल देती हूँ, अब देख सकते हो कितना अच्छा झाग आया हुआ है इसमें, बहुत ही अच्छी हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनी है, और आइसक्रीम से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ी सी कॉफ़ी स्प्रिंकल कर देती हूँ। ये देखिए हमारी कोल्ड कॉफ़ी तैयार हो चुकी है, और बहुत ही टेस्टी लगती है कॉफ़ी, और आपने देखा इसे बनाना बहुत ही आसान है, और ऊपर कितना अच्छा फैन आया हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, और कमेंट करके बताना ना भूले कि कोल्ड कॉफ़ी आपको कैसी लगी, और मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।